बात उस आंदोलन की जो आज अपने तीसरे दिन में पहुंच चुका है। हम बात बाबा रामदेव की कर रहे हैं। लंबे चौड़े आंदोलन का उन्होंने ऐलान किया है और पहले चरण में उन्होंने कहा था कि वो 3 दिन का अनशन करेंगे और सरकार के आगे अपनी मांगे रखेंगे। अब अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती तो क्या? तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि योग गुरु अपने इस अनशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे उन्होंने कहा है कि आज शाम को वो एक बड़ा उद्घोष करने वाले हैं, एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं और 15 अगस्त से एक और बड़ा आंदोलन शुरू करने की घोषणा भी कर सकते हैं। ये भी बता रहे हैं सूत्र की सरकार के संपर्क में लगातार हो सकते हैं रामदेव के रणनीतिकार। आपको बता दें कि रामदेव का जो आंदोलन था वो कई चरणों में होने जा रहा है। पहले चरण में उन्होंने 3 दिन के अनशन का ऐलान किया था और इस वक्त अगर आप मंच पर देखेंगे रामलीला मैदान के मंच को तो वहां आपको कुछ गहन मंत्रणा की तस्वीरें नजर आ जाएंगी। यहां पर तमाम लोग मंच पर मौजूद हैं और आमतौर पर पिछले 2 दिनों से ये सभी लोग मुंह सामने करके जनता की ओर देख रहे होते थे, जनता को संबोधित कर रहे होते थे, लेकिन इस वक्त सब लोग किसी गहन मंत्रणा में डूबे हुए नजर आते हैं क्योंकि बाबा रामदेव ने कह दिया था कि अगर सरकार 3 दिन के अंदर उनसे बात नहीं करती, उनकी मांगे नहीं मानती तो फिर वो अपनी आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे और आज शाम को वो कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। अब ये बड़ा ऐलान क्या होगा, इसमें वो क्या करने जा रहे हैं, शायद इसी और किस तरह से उस ऐलान को किया जाए, सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाए, शायद ये वो तमाम पहलू हैं जिस पर इस वक्त रामदेव अपने सहयोगियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं रामलीला मैदान के मंच पर। 9 तारीख को उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था और आंदोलन के पहले चरण में 3 दिन का अनशन करने की बात कही थी जो कि आज खत्म हो रहा है। शुरू के 2 दिन तो तेवर काफी नर्म नजर आए थे बाबा रामदेव के, बड़े संभले में से दिख रहे थे, लेकिन तीसरा दिन आते आते तेवरों में फिर से तलखी नजर आ रही थी। क्या कहा सुबह सुबह उन्होंने, आइए सुनते हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ता है जो मुख्य केंद्र प्रभारी राज्य प्रभारी सह राज्य प्रभारी आदि के रूप में सेवाव्रति आदि के रूप में अपनी बड़ी सेवा दे रहे हैं, जिसमें इस आंदोलन में केवल संगठन के साथ जुड़े हुए ही लोग नहीं बल्कि इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए अलग अलग जाति वर्ग मजहब के लोगों से आज हम एक गहन मंथन मंत्रणा करेंगे और वरिष्ठ लोगों के मंथन मंत्रणा विचार विमर्श और निष्कर्ष के बाद जो बातें सामने आएंगी वो आपके सामने रखी जाएंगी और फिर सबकी सहमति से आज शाम को आंदोलन के अगले चरण का निश्चय किया जाएगा। सरकार यदि सकारात्मक रहती है तो भी आंदोलन का अगला चरण क्या होगा वो बताएंगे और यदि सरकार बेरुखी अपनाती है तो भी हमें कोई परवाह नहीं। सरकार बेरुखी दिखाती है तब भी परवाह नहीं है, आंदोलन तो चलता रहेगा और आज अनशन का आखिरी दिन है तो अब आगे क्या? हमारे संवाददाता मनोज शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ रामलीला मैदान से। मनोज, बाबा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहते हैं कि आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा और सरकार के रुख की उनको परवाह नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं तो परवाह करनी पड़ेगी, कोई तो दिशा उनको देनी पड़ेगी। क्या तय कर पाए हैं बाबा जी कि आज शाम जब अनशन खत्म होगा तो वो क्या करेंगे? बिल्कुल रतन, ये एक काफी बड़ा सवाल है कि अगर सरकार कोई जवाब नहीं देती है, कोई बातचीत नहीं करती है तो इस आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि आप अगर हम बात करें तो अन्ना का जो आंदोलन जिस तरह से पिछले दिनों जंतर मंतर पर हुआ और पिछले दिनों जिस तरह से उन्हें अनशन तोड़ना पड़ा और आनंद फानन में पॉलिटिकल पार्टी बनाने की घोषणा उन्हें करनी पड़ी, उसमें कई सवाल पैदा कर दिए हैं कि इस तरह के आंदोलनों का हश्र क्या है अगर सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं होती, अगर सरकार उन सब मुद्दों पर वार्तालाप करने को तैयार नहीं होती जो कि उठाए जा रहे हैं इस आंदोलन के द्वारा। तो आज शाम को हालांकि बाबा रामदेव ने कहा है कि वो कुछ बड़ी घोषणा करने वाले हैं, कुछ अहम घोषणा करने वाले हैं और उसी से स्वरूप पता चलेगा आगे का आंदोलन किस तरह का होगा।
लेकिन जिस तरह के एक्सपेरिमेंट अन्ना टीम अन्ना कर चुकी है उससे शायद कुछ सबक जरूर लिए होंगे और पॉलिटिकल स्वरूप दे दिया है मुहिम को, तो इनको शायद एक फैसला उस बारे में भी करना होगा कि आंदोलन को क्या किसी राजनीतिक रंग में रंगना होगा या नहीं। लेकिन अब तक के जो संकेत इन्होंने दिए हैं उसके मुताबिक तो शायद ये आंदोलन गैर राजनीतिक ही रहे, लेकिन इस बारे में भी उन्हें एक अहम फैसला करना होगा कि क्या राजनीति का कोई स्थान होगा इस आंदोलन में या नहीं, और साथ ही साथ आगे अगर वो बढ़ेंगे तो उसका स्वरूप कितना। मनोज, किसी बड़ी घोषणा की, किसी बड़े उद्घोष की बात कर रहे हैं बाबा रामदेव, किस किस्म की हो सकती है घोषणा? क्या कोई भी संकेत मिल पा रहा है रामलीला मैदान से? देखिए, अभी तक ये तो बिल्कुल साफ नहीं हो पाया कि घोषणा किस तरह की होगी, लेकिन जिस तरह का अभी तक सरकार का रुख रहा है कि बातचीत करने की कोई कोशिश नहीं की गई है बाबा रामदेव से, और साथ ही साथ एक सरकार ने एक लिस्ट जारी कर दी है कि काले धन पर क्या कदम उन्होंने उठाए हैं, उस बारे में सरकार ने अपने वेबसाइट पर एक पूरा एक नोट डाला है जिसमें बताया गया है कि क्या कदम वो उठा रहे हैं। तो सीधे कोई बातचीत अभी तक नहीं हो रही है, ऐसे में बाबा रामदेव शायद कुछ ऐसे कदमों का ऐलान कर सकते हैं जिससे कि सरकार पर कुछ तो प्रेशर पड़े, कुछ तो दबाव पड़े, जिससे कि वो कम से कम बातचीत के लिए तो तैयार हो। जी शुक्रिया मनोज इस अपडेट के लिए। हमारे संवाददाता मनोज बता रहे हैं कि इस वक्त मंत्रणा का दौर चल रहा है रामलीला मैदान में मंच पर, लेकिन बाबा के लिए अब थोड़ा सा निर्णायक वक्त आ रहा है क्योंकि अब उनको तय करना है कि आंदोलन को वो किस दिशा में आगे ले जाएं। वैसे आपको बता दें कि 3 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने अपनी तरफ से दिया जरूर था, लेकिन सरकार ने फिलहाल अभी तक किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया है, ना बाबा के बयानों पर ना उनके आंदोलन पर। आपको बता दें कि टीम अन्ना के साथ भी सरकार की रणनीति बिल्कुल यही रही थी कि ना वो टीम से बात करने के मूड में नजर आई और ना ही टीम के दबाव के आगे एक मिनट के लिए भी झुकती नहीं दिखी थी इस बार सरकार, और उसका नतीजा सबने देखा। टीम को अपना अनशन वापस लेना पड़ा और एक राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा करके टीम हट गई। शायद इसी बात को, इसी अनुभव को बाबा रामदेव ने भी अपने जहन में रखा है और वो ये दिखाना चाहेंगे कि टीम से अलग उनका रवैया है, उनकी कार्यशैली है, और अगर वो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं तो वो बगैर किसी नतीजे के वहां से हटेंगे नहीं। लंबी चौड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं बाबा रामदेव, अलग अलग चरणों में वो लड़ाई करेंगे ये भी कहते हैं, और पहले चरण में 3 दिन का अनशन था जिसे बाबा रामदेव आज शाम को खत्म करेंगे, और फिर आगे क्या होगा शायद इसका भी ऐलान आज शाम को सुनने को मिले।